वॉट इज द फ्लैक्स थ्रू द लूप वेन इट इज टिल प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एंगल सिक्सटी डिग्री विद द टेबल सो एक कोई टेबल है उसके ऊपर एक स्क्वायर लूप रखा गया है जिसका साइड जो है वो मान लेते हैं कि टेन सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं जीरो पॉइंट वन मीटर हो जाएगा इसको ए हमने मान लिया ठीक है अब इसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया बराबर साइड स्क्वायर हो जाता है यानी जीरो पॉइंट वन इंटू ज़ीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर ये हमने एरिया निकाल लिया अब देखो बोला गया है कि जो फ्लैक्स है वो जब इसके टेबल पे रखा जाता है इस स्क्वायर लूप को तो फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है यानी कि जब इसको हॉरीजोंटल रखा जा गया है तो जो मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से निकल रहा है तो फ्लक्स बराबर होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मैगनी टूट ऑफ बी इंटू थीटा थीटा एंगल बिटवीन बी और ए तो देखो ये मैक्सिमम कब होगा जब, हो हो जब थीटा की वैल्यू वन होगी और कॉस थीटा की वैल्यू वन कब होगी जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा यानी कि अगर बी ऊपर की ओर है तो एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर हो होगा तो एरिया वेक्टर इसमें ऊपर की ही ओर है और बी भी हमारी और जो बी लग रहा है वो भी हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है अब इसने क्या करा है इसके प्लेन को इसने 60 डिग्री टिल्ट करा दिया यानी कि सपोज़ कर लीजिए ये आपकी टेबल हो गई और साइड से देखने पर जो हमारा स्क्वायर लूप है वो इस सिक्सटी डिग्री पे हो गया तो अब इसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी ऊपर की हो रहा है अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा ये सेम एंगल बनेगा 60 डिग्री यहाँ पर जो नया एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है तो अब नया फ्लैक्स क्या हो जाएगा फाइव डैश इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूट हमें दे रखा है जीरो पॉइंट टू फाइव टेस्ला जीरो पॉइंट टू फाइव और यहाँ पर एरिया हमने निकाला हुआ है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर कॉस सिक्सटी हो जाएगा तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है आपकी ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन इंटू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव तो यहाँ से नया फ्लैक्स कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव